जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन 12 अक्टूबर 1999 का अहम तरीन किरदार हैं। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके ख्वाजा जियाउद्दीन को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करते हैं, लेकिन फौज वजीर आजम का ये फैसला मुस्तरद कर देती है। जनरल जियाउद्दीन के GHQ में पहुँचने से पहले ही नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है। ख्वाजा जियाउद्दीन 12 अक्टूबर के सनसनीखेज वाकयात के ऐनी शाहिद हैं। आइए सुनते हैं 12 अक्टूबर की कहानी जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन की जबानी। जनरल जियाउद्दीन के इल्म में ये बात कब और कैसे आती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके उनको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया जा रहा है? उससे मैं थोड़ी सी पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मैं अमेरिका गया हुआ था और अमेरिका में CIA की तरफ से इनविटेशन थी और उसमें डिस्कशन थी वॉर ऑन टेरर के ऊपर और ज़्यादातर ये ड्रग्स वगैरह का जो मामला था इसके ऊपर डिस्कशन और जो कोऑपरेशन थी पाकिस्तान की उसके ऊपर था। तो वो मैं सितंबर में ही चला गया था और वहाँ जाके फिर वो सारी डिस्कशन वगैरह होती रही। उसके बाद मुझे टास्क किया हुआ था प्राइम मिनिस्टर ने कि आपने शाह ज़ाहिर शाह से भी मिल के आना है, तो मैं उधर भी गया, उनसे भी मिला और ये सारी कार्रवाई करके फिर मैं जब पहुंचा लंदन तो वहाँ पे फिर कुछ लीडर्स थे कश्मीरी लीडर, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये एक बड़ा होलसम किस्म का 3 हफ्ते का टूर था। तो 8 तारीख को मैं वापस पहुंचा पाकिस्तान और उस वक्त फिर मेरी मुलाकात रात को मुझे टाइम मिला उनसे मिलने का अपने मियाँ साहब से प्राइम मिनिस्टर से। वहाँ पे उन्होंने सारी मेरी डीब्रीफिंग की किस किस को मिले हो क्या और सारी मैंने बैकग्राउंड बताई उसकी और वो इंटरेस्टेड थे कि ज़ाहिर शाह का क्या रिस्पांस था। ज़ाहिर शाह बहुत ही अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बहुत हेल्पफुल थे कि मैं इंटरफेयर करूँगा और मैं जो भी मदद कर सकता हूँ अफगानिस्तान के मामले में मैं करूँगा। वहाँ पे मैंने फिर मियाँ साहब से 8 तारीख को रिक्वेस्ट की कि मुझे मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 3 महीने रहते हैं रिटायरमेंट में और फौजी फर्टिलाइज़र खाली हो रही है, बच्चे मेरे छोटे हैं तो मैं चाहता हूँ वहाँ में जॉब मिल जाए। तो और मैंने ये भी बताया कि मैंने परवेज मुशर्रफ से भी बात की हुई है और वो कहता है ठीक है तुम इधर आ जाना। तो मियाँ साहब जो थे तो वो कहने लगे नहीं जन साहब हम आपको कहीं बेहतर जगह पर इस्तेमाल करेंगे और तो बहरहाल अगर आप ये चाहते हैं तो परवेज मुशर्रफ को आने दें और उससे डिस्कस करके फिर हम फैसला कर लेंगे। तो आप ये देखेंगे मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में था कि मैं आर्मी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ और फिर एक नेक्स्ट जॉब में प्रॉब्ली सेटल हो जाऊँगा। तो 8 तारीख की ये रात थी, नेक्स्ट डे वॉज 9th जो था वो वही एक वर्किंग डे सैटरडे आया। तो 9th को फिर वहाँ जो इतना जो काम जमा हुआ हुआ था अपने ISI का वो लोग आके अपने काम वाम करवाते रहे जिस तरह भी हुआ। उस दिन फिर मुझे दोपहर को बताया गया कि एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हो रही है जिसमें चीफ मिनिस्टर भी अटेंड करेगा और वो मीटिंग है कल 2:30 बजे या 3 बजे का टाइम दिया उस मीटिंग का। तो उसमें मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप भी आ जाएँ जो आपके इनपुट हैं वो उसमें दे दें। तो उसके लिए सारी वो फाइलें वाइलें जमा करके वो जो होमवर्क करता है स्टाफ वो उन्होंने करके मुझे दिया हुआ था और उसके लिए मैं चल पड़ा उधर अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस। वहाँ जब पहुँचा तो उधर नमाज का टाइम हुआ हुआ था, खैर नमाज वगैरह हमने पढ़ी और वहाँ पे उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपको अपने उधर बुला रहे हैं। तो मैं जब उधर गया तो वो नक्शा बदला हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम आपको चीफ आर्मी स्टाफ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा परवेज मुशर्रफ ऑलरेडी चीफ आर्मी स्टाफ है, वो अब आपने उसको चेयरमैन भी लगा दिया है तो किस ओहदे से आप उसको हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी बस ये हमारा फैसला है और वो जो चेयरमैन है वो तो वैसे भी एक्टिंग था वो, तो अब वो उसको हम दोनों ओहदे से हटा रहे हैं और आपको हम लगा रहे हैं और आपको हमने राइटिंग में ये बना के रखा हुआ था कि ये आप पढ़ लें। उस पर भी मैंने कहा कि जी ये आई होप ये सारा लीगली ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट ने देखना होता है
वो मैं जाके उससे करके ले आता हूँ। वो चले गए उठा के, उसको प्रेसिडेंट को ले गए वो जो लेटर था, और वहाँ से वो प्रेसिडेंट ने उस पर सीन लिखा, वो 15 मिनट वापस ले के आ गया। तो वहाँ पे उसके बाद फिर वो रैंक वैंक लगाने का उन्होंने कहा, जी आप रैंक लगाते हैं हम आपको। तो मैं तो कोई रैंक वगैरह लगा के नहीं गया था, ऑल्दो कस्टम ये है कि जब आप चीफ बनाए जाते हैं तो रैंक लगा के आप जाते हैं वहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर से भी है कि कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह करता। तो वो तो था नहीं बीच में एलिमेंट, तो इसलिए वो बस वहीं बैठ के उन्होंने कहा, जी हम आपका रैंक लगाएंगे। और रैंक में साथ लेके भी नहीं गया, रैंक तो बाज़ार से ही मिलते हैं। तो वो लेके को, खैर वो जो उस वक्त थे अपने ब्रिगेडियर जावेद इकबाल, उन्होंने अपना रैंक एक उतारा, वो एक पिपी बड़ा था ना उसमें, तो उन्होंने अपने वो दो उतारे पिप्स और वो लगा दिए यहाँ पे वर्दी में। और लगाने के लिए भी उनके पास पिन भी नहीं थे, तो वो माचिस की तीली से वो लगाए गए। तो हर चीज़ समझ लें आप, एक तरह से एडहॉक सी थी। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ बहुत उजलत में नजर आते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नवाज शरीफ इतनी उजलत का शिकार क्यों हैं? उजलत की वजह ये थी कि ये मियां साहब जब शुजाबाद में एड्रेस कर रहे थे, वहाँ पे इनको किसी ने एक टिप ऑफ दिया कि कू जो है वो चल पड़ा है, तो आप प्रॉब्ली लेट हो रहे हैं। तो मियां साहब जो थे वो रिएक्ट करना चाहते थे उसके लिए, तो एकदम वहाँ से उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए, वो कैंसिल करके वो यहाँ पहुँच गया। यहाँ अब ब्रिगेडियर अपने जनरल इफ्तखार मरहूम, वो यही बताते थे कि मैं उनको रिसीव करने गया एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से पूछा कि अब सीनियर मोस्ट कौन है, क्योंकि मैं चीफ़ को बदल रहा हूँ। उस पे इन्होंने मेरा नाम बताया, तो उस पे उन्होंने कहा ठीक है उनको आप बुला लें और उनको हम चीफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे। तो ये फैसला जो आप कह लें फर्म फैसला लगाने का, ये बस उसी चंद घंटों में ही हुआ होगा। वो कॉल किसकी है जिसे सुनते ही नवाज शरीफ शुजाबाद का जलसा दरमियान में छोड़कर फौरन इस्लामाबाद वापस पहुंचते हैं? अगर तो मैं कंटिन्यू करता बाद में, फिर तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हो सकती थी कि किसने उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन अभी अपने मियाँ साहब जो हैं वो नहीं उनको सामने लाना चाहते जिसने भी उनको इन्फॉर्म किया उसको, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं था। हो सकता है कि ISI में किसी की तरफ से हो या GHQ में किसी की तरफ से हो, लेकिन ये कि कू की तैयारियां हो रही थी और सारी चीज़ एक सामने आया थी कि ये होना है, वो तो मियाँ साहब को पता था। और मियाँ साहब ने अपने जो उस वक्त DG सिक्योरिटी थे जनरल रहमतुल्ला, उनको भेजा भी था जनरल अजीज़ के पास जो कि CGS थे, ये बताने के लिए कि बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और जो आ रहा है जा रहा है उसकी चेकिंग हो रही है, सारी जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो उसको चेक किया जा रहा है, और बहुत सारे ट्रूप्स चेंज किए गए हैं, तो ये सब क्या है? उस पर उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा रूटीन का वो काम है। लेकिन वहाँ ये चीज़ें इस दौरान में जबकि मैं बाहर था 3 हफ्ते के लिए, काफ़ी एक्टिविटी हुई थी, और वो चीज़ें फिर बाद में सब पता लग गई कि ये कमांडोज भी ये ले आए थे और वहाँ दमियाल पे रखे हुए थे इन्होंने, तो वो तैयारी तो इन्होंने की थी पूरी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम कि किस वक्त इन्होंने स्ट्राइक करना है और किस वक्त टेक ओवर करना है, ये टिपिकल फौजी स्टाइल में इन्होंने बहुत सीक्रेट रखा हुआ था।